हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम करने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को हम कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। तो ये किसने हमें प्रदान किए हैं? संविधान ने। और जिसमें राज्य जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। तो हमें पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो हमें किसने दिए हैं? संविधान ने दिए हैं। तो यदि मौलिक अधिकार जो हैं उनमें संशोधन किया जाएगा तो वह भी किसके द्वारा होगा? संविधान के द्वारा होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके अलावा किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार में संशोधन संभव नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वह न्याय योग्य है। इसका अर्थ क्या है? न्याय योग्य है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। देखिए, दो चीज होती है, एक मौलिक अधिकार होते हैं, दूसरे होते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, तो जो कानूनी अधिकार हैं उनको राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, और राज्य ही उनकी रक्षा करता है। वहीं पर मौलिक अधिकार के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये जो संविधान है देश का, तो उसके द्वारा लागू किया जाता है, तो सुरक्षा भी वही प्रदान करेगा संविधान। और अगर कानूनी अधिकार जो है उनमें परिवर्तन करना है तो विधानमंडल करेगी। ठीक है, और मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन करना है तो संविधान में परिवर्तन जरूरी होगा। तो ये तो मौलिक अधिकार का अर्थ था। और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से समानता का अधिकार कौन सा है। ठीक है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं। तब ऑप्शन होंगे आपके वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। ठीक है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता का अधिकार जो है वह कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद से संबंधित जो है वह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 जो है मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 12 से 35 तक जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा अनुच्छेद में क्या बात लिखी गई है। तो ये हमने अमेरिकी संविधान से जो है लिए हैं। ठीक है, कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार को भारत का मेगना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। भारत का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। वे अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। अब देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो जरूरत है व्यक्ति की, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति जो है कहीं पर भी घूम सकता है। उसको जो है आजादी है कि कहीं पर भी जो है बात जो है वह कहने की, कि उसके मन में जो बात है वह मन में ना रखकर वह किसी से कहना चाहता है, तो बिल्कुल बोलने की आजादी उसको है। ठीक है, इसके लिए कोई भी जो है उसको नहीं रोक सकता है। ठीक है, कहीं भी वो घूम सकता है, कहीं भी जाकर जो है वो नौकरी कर सकता है। तो ये सभी मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो इससे जो है व्यक्ति का जो चहुमुखी विकास होता है। और ध्यान रखिए कि चाहे विधानमंडल कोई जो है पास कर दे कोई कानून, या सरकार जो है उसका कोई आदेश हो, तो ये जो मौलिक अधिकार हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, तो इन अधिकारों का उल्लंघन वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यदि उल्लंघन होता है तो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है, और न्यायपालिका जो है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। नोट में देखिए, अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। कहां पर हुआ? ब्रिटेन में। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित एक अधिकार पत्र मेगना कार्टा मूल अधिकार से संबंधित था, जो कि प्रथम लिखित दस्तावेज था। इसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए और फिर उनकी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार हैं। तो हमें किसने दिए हैं? ये हमारी संविधान ने दिए हैं, तो इसकी रक्षा जो है वह भी संविधान करता है। इसमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और इसीलिए ये न्याय योग्य हैं और वाद योग्य हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 देखिए, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं।
तो अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। यहाँ पर राज्य का अर्थ ये नहीं है जो हम स्टेट से लगाते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, नहीं। राज्य की परिभाषा का यहाँ पर अर्थ ये है कि कोई भी संस्था है या कोई भी सार्वजनिक उपकरण जिसमें सरकार का 1% हिस्सा भी आता है, तो ये सब जो है राज्य की श्रेणी में आ जाएंगे। तो वो परिभाषा यहाँ पर दी है अनुच्छेद 12 में, जिसमें भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडलें, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, ये सब इसमें शामिल होंगे। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां, तो यह मूल अधिकारों का क्या है, सुरक्षा कवच है, ठीक है। और संविधान का ये जो अनुच्छेद है ये विधियों और मूल अधिकारों के बीच में संबंधों का वर्णन करता है। इसके अनुसार जो है राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिसमें मूल अधिकारों का क्या हो, हनन हो, मूल अधिकार समाप्त हो, या मूल अधिकार में जो है बार बार संशोधन किया जा सके, या एक शब्द आता है मूल अधिकारों का आलपीकरण हो। तो राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सहज प्रहरी बनाया गया है। इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, जो मूल अधिकारों से असंगत है उसे शून्य घोषित कर सकता है। ऐसी विधि या ऐसी कानून को कौन, हमारी न्यायालय। और न्यायालय की ये जो शक्ति है क्या कहलाती है, तो देखिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है ये शब्द, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, यानी कि खुद के ही जो न्याय है उसको दोबारा से देखना। तो न्यायालय ऐसी कोई भी विधि जो कि मूल अधिकारों से असंगत है उसको शून्य घोषित कर सकती है। तो इसे क्या कहा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है। जहां पर हमारी जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वह अनुच्छेद 32 के तहत, और हमारी जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत जो है इनको ये अधिकार है। मूल अधिकारों के संबंध में एक क्वेश्चन और आता है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव है या नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368, तो इसमें संसद को संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को बढ़ाने या कम करने की शक्ति प्राप्त है। किसे, हमारी संसद को, ठीक है। और संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये क्या था, मौलिक अधिकारों को कम किया गया। तो ये शक्ति जो है वो किसके पास है, हमारी संसद के पास है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं हो सकते हैं, यानी हमारे सभी मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा। मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध दावे हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार जो है वो व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, जैसे 15 है, 17 है, 23 है और 24 है। क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकता है, तो देखिए विश्वेशनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, कोई व्यक्ति जो है वो अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, यानी कि जीने का अधिकार है व्यक्ति को, ठीक है। तो व्यक्ति जो है जो सुसाइड कर लेते हैं व्यक्ति कि हमें जो है जीना नहीं है, अब जो है हमें मर जाना है, तो ये अधिकार भी व्यक्ति को नहीं है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो है अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है, विश्वेशनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर देखिए मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान में कितने थे, 7 थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उस समय प्रधानमंत्री जो हैं वह कौन थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, अनुच्छेद 300 के तहत। तो मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत हमारी जो संसद है, राज्यसभा और लोकसभा, तो संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को बढ़ाना और कम करना ये शक्ति जो है उसको प्राप्त है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को
कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में कितने हैं हमारे मूल अधिकार? 6। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले तो ये आपको याद रहने चाहिए बिल्कुल सिक्वेंस में, ठीक है? मूल अधिकार सिक्वेंस में ही याद रखने हैं। सीक्वेंस में याद रखेंगे तो अनुच्छेद जो है वह भी आप याद रख पाओगे। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है दो अनुच्छेद हैं 23 और 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, सांवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। तो यदि हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत जो है मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है? दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये जो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार जो है स्वयं में ही क्या है? मूल अधिकार है, सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही व्यवस्था जो है मूल अधिकारों को क्या बनाती है? वास्तविक बनाती है। और इसीलिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है? संविधान का हृदय कहते हैं, क्योंकि ये सभी मूल अधिकारों का क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। और ये अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है, ये जो छठवां अधिकार है सांवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि नागरिक जो है वो अपने अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 जो है उसमें क्या लिखित है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, यानी सभी व्यक्ति सभी नागरिक जो हैं वो सभी समान होंगे, चाहे वो देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो और सामान्य नागरिक, तो इक्वल समझा जाएगा दोनों को। विधि के सामने जो है ये दोनों ही बराबर हैं, ठीक है? तो इतना बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, तो इससे आप जो है समझ सकते हो कि समानता का अधिकार क्या कहता है अनुच्छेद 14 के तहत, तो कि विधि के समक्ष जो है सभी नागरिक समान हैं। इसका उद्देश्य है समाज के वंचित पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का। और ये जो अनुच्छेद है इसका जो है अपवाद भी है, और क्या है कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको अनुच्छेद 361 के तहत और राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको अनुच्छेद 361 के तहत जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है? तो ये जो है अपवाद है। बाकी जो है अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष जो है वो सभी नागरिक समान है। अनुच्छेद 15 देखिए केवल नागरिकों के लिए है, यानी कि कुछ अनुच्छेद जैसे 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, ये जो पांच अनुच्छेद हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार, ये सभी नागरिकों को, चाहे वो भारतीय है या विदेशी है, सभी को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो है वेद का प्रतिषेध किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, किसी भी मूल वंश से हो, कोई भी जाति हो उसकी, ठीक है, स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी जन्म स्थान का रहने वाला हो, उसके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत जो इसके उपभाग हैं 15(1) जो है उसमें लिखा है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता की जाएगी। सार्वजनिक स्थान हो गए, कोई दुकान हो गई, ठीक है, या कोई होटल हो गया, कोई भी मनोरंजन के जो जगह हो गई, वहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) स्त्री और बच्चों जो है उनका ध्यान रखा जाएगा, कल्याण के लिए विशेष उपबंध है। 15(4) में पिछड़े वर्गों को सरकारी शिक्षण संस्थान में आरक्षण, रिजर्वेशन जो है वह भी होगी, ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत। इसके अलावा 15(5) देखिए जो कि बाद में जोड़ा गया, 93 संविधान संशोधन, ये क्या है? संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया, राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में एससी एसटी इनके संबंध में विशेष उपबंध कि इन्हें निजी शिक्षण संस्थानों में जो है आरक्षण मिलेगा, ठीक है। 15(6) है, ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया, बिल्कुल नया जोड़ा गया, और जिसमें व्यापार कारोबार करने के लिए राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
जो ईडब्ल्यूएस है, तो उनकी उन्नति के लिए आरक्षण के अलावा 10% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। तो हम ये सभी जानते हैं कि शिक्षण जो शैक्षणिक जो दृष्टि से भी हमने देखा है, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है, और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त है 15(6) के अंतर्गत। तो यहाँ पर यदि आप सीक्वेंस इनका ऐसे याद भी ना रख पाएं कि 1(15)1, 15(2), 15(3), इनमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण में और निजी शिक्षण संस्थाओं में जो SC ST जो हैं, इसके अलावा पिछड़े वर्ग को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, बच्चों के और स्त्रियों को कल्याण के विशेष उपबंध, सार्वजनिक स्थानों पर जो भेदभाव है वो समाप्त हो सके, ठीक है, या धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता जो है वह होगी। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत समानता का जो अधिकार है उसमें ये चीज लिखी हुई है, और ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है एक एक शब्द, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, ये पांच जो शब्द हैं ये आपको याद रहने चाहिए, और अनुच्छेद 15 के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है क्या जोड़ा गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए आर्थिक दृष्टि से, तो ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16 देखिए, ये भी केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। लोक नियोजन के अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता होगी। 16(1) के तहत तो राज्य के अधीन प्रत्येक नागरिक को नौकरी में समानता होगी। 16(2) राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी राज्य का नागरिक हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, ठीक है, और चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कहीं भी उसका स्थान रहा हो, जन्म स्थान, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यदि वो काबिल है तो उसे नौकरी में रखा जाएगा। 16(3) जो है, जन्म स्थान के आधार पर कुछ नौकरी में मूल निवास अनिवार्य है, यानी राजस्थान का यदि वो निवासी है तो वह ऐसी नौकरियां जो कि राज्य के द्वारा दी जा रही हैं केवल उन व्यक्तियों को जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं, ठीक है। 16(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 16(5) 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कुछ पदों में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई है, यानी किसी धर्म या संप्रदाय के लोगों को जो है पदों में छूट दी जाएगी। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया 16(6), जिस समय ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं नागरिक, उनको नौकरी में भी 10% का आरक्षण का प्रावधान रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो है देखा था अनुच्छेद 15 में भी ये बात लिखी हुई है कि शिक्षण संस्थाओं में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, इनको जो है छूट मिलेगी, 10% जो है वहां पर भी इनको आरक्षण मिलेगा शैक्षणिक संस्थाओं में। अनुच्छेद 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। तो समाज में समानता को और भी अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए अनुच्छेद 17 समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करके और छुआछूत के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित करता है। तो यह एक निरपेक्ष अधिकार है और कोई भी इसका अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 35 जो है, संसद को, किसको, संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया गया था, और उसके बाद जो है इस अधिनियम जो है इसको बदलकर, इसका नाम बदलकर 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, ताकि ये जो अपराध है, यदि कोई अपराध करता है इससे संबंधित, छुआछूत से संबंधित, तो और भी ज्यादा कठिन उसको दंड मिल सके, ठीक है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य, सेना और विद्या, तीन शब्द याद रखें, राज्य, सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी सम्मान जो है वो प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि इसके अनुसार कोई भी नागरिक जो है वह इन तीन सम्मान के अलावा कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 18(2), इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो है वह किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी विदेशी राज्य हो तो वहां से वो उपाधि धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(3),
अनुच्छेद 18(3) में यह उल्लिखित है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसी उपाधि धारण कर सकता है। अनुच्छेद 18(4) में ये उपबंध है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट जो है राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये बाद में जो है उपबंध जोड़ा गया, क्योंकि 18(2) जो अनुच्छेद है उसके अनुसार क्या कहा कि कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये बता दिया गया कि कोई भारतीय व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति यदि मिल जाती है उसे तो विदेशी राज्य से भेंट या उपलब्धि या पद धारण कर सकेगा। नोट में देखिए, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री अलंकरण ये सभी क्या हैं, सम्मान में आते हैं, उपाधि में नहीं आते हैं। जहां हमने अनुच्छेद 18(1) में क्या देखा था कि सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है, कौन सी, तीन को छोड़कर, राज्य, सेना और शिक्षा को छोड़कर। लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण ये भी क्या है, सम्मान है, उपाधि नहीं है। तो इनका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 तक दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 जो कि केवल नागरिकों के लिए है, वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19(1) जो 19 अनुच्छेद है उसके उपभाग हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता है, ध्वजारोहण की स्वतंत्रता है, जानने की स्वतंत्रता है, हर चीज वो जान सकता है। मतदाता का सूचना का अधिकार है उसे, और नोटा की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) खै के अंतर्गत शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी यहाँ पर जो नागरिक है तो उसको शांतिपूर्ण और निरायुद्ध यानी कि बिना हथियार के एकत्रित हो सकता है और सभा का आयोजन कर सकता है। अनुच्छेद 1(ग) के तहत संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो यहां पर व्यक्ति जो है संघ बना सकता है, स्वतंत्रता है उसे, ठीक है, सहकारी संघ बना सकता है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1)(घ) भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता उसे है। भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने, संचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1)(च) संपत्ति की स्वतंत्रता जिसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 19(1)(6) कोई भी वृत्ति, प्रोफेशन, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता जो है नागरिक को है कि वह कोई भी कारोबार जो है कर सकता है, कोई भी आजीविका जो है वह कर सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का व्यापार करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता उसे दी गई है। तो आपको ये याद रखना है कि ये स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के जो है सभा करने की स्वतंत्रता, देश में जो है कहीं भी जो है घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी जो है निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, और इसके अलावा जो है व्यापार करने और जीविका चलाने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से दी गई है। तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कोई भी अपराध है तो उसके लिए दोष सिद्ध के संबंध में नागरिक को कुछ संरक्षण प्राप्त है। कौन कौन से? अनुच्छेद 20(1) की प्रचलित विधि का जब तक उल्लंघन ना हो तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि दोहरे दंड का निषेध, यानी एक व्यक्ति जो है, एक नागरिक जो है, उसने कई अपराध किए हैं तो उनकी एक ही सजा होगी। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार जो है मर्डर कर दिया और उसके बाद फिर दोबारा मर्डर कर दिया तो उसके लिए उसको दो बार सजा नहीं बल्कि एक ही सजा होगी, ठीक है। अनुच्छेद 20(3) के तहत स्वयं के विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हम जो है मूवीज वगैरह में देखते हैं कि
पुलिस जो है वो आती है और व्यक्ति को जो है बिना उसे बताए उसे पकड़कर ले जाती है कि चलिए, और जो पुलिस स्टेशन में जाकर ही हम जो है बताएंगे कि तुम्हारा अपराध क्या है, और वहाँ ना जो व्यक्ति है वह पूछता ही रह जाता है। ऐसा नहीं है, स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए उसे वादे नहीं किया जा सकता, और जब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसने प्रचलित विधि का उल्लंघन ना किया हो। तो हमारे जो संविधान है उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराधी हो गया है या अपराध उसने नहीं किया है तो उसको जो है अपने दोष सिद्ध के संबंध में कुछ संरक्षण प्राप्त है। जो भी उस पर दोष आरोपित किया जा रहा है तो उसे अपराधी नहीं घोषित कर सकते जब तक उसने कोई भी कानून ना तोड़ा हो। यदि उसने जो है कानून तोड़ा है, अपराधी है, तो एक से अधिक अपराध करने पर भी एक ही सजा उसे मिलेगी। और व्यक्ति को जो है जबरन गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम जो है ये गवाही देनी ही पड़ेगी, ऐसा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये जो अधिकार हैं व्यक्ति के, नोट में देखिए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के वाद, ये क्या है, वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नारकोटिक्स पॉलीग्राफी ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभिशासन है, वर्जित है ये। और इसके अलावा मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड 2002 के बाद डीएनए टेस्ट कराने को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो यहाँ पर आपको मुख्य जो चीजें हैं वो क्या हैं कि ये कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है, एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, और किस अनुच्छेद के तहत जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद पूछ सकता है एग्जाम में, या इसमें जो है मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक तरफ जो है स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया जाए और दूसरी तरफ अनुच्छेद जो है वो फेरबदल के दे दिया जाए, तो आपको जो है वो मिलान करने होंगे। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसका जीवन, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसे होगा, उसे इससे वंचित तो नहीं किया जाएगा। 24 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और देखिए ये जो अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह आपातकाल में भी निलंबित तो नहीं होते हैं। यानी कि नागरिक को अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में पूरी तरीके से संरक्षण जो है वह प्राप्त है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो ये बाद में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 में। तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो देखिए अनुच्छेद 20 और 22 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है नागरिक को, और अनुच्छेद 22 जो है वह भी उसी से संबंधित है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो जो देखिए इसके उपभाग हैं, अनुच्छेद 22(1) व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना, यानी उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है यदि वो जानना चाहता है तो वो जान सकता है। अनुच्छेद 22(2) 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना, यानी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि उसे जो है 2 या 3 दिन तक जो है जेल में बंद करके रखे, उसे जो है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे के अंदर, जब उसे गिरफ्तार किया गया है उसके बाद के 24 घंटे के अंदर। अनुच्छेद 22(3) वकील से परामर्श का अधिकार, यदि नागरिक चाहता है कि जो है वह अपना वकील कर सकता है और वकील से जो है सलाह लेनी है तो वह खुद भी कर सकता है। ठीक है, तो वकील से परामर्श का अधिकार जो है वह प्राप्त है नागरिक को। तो 20 और 22 ये दो अनुच्छेद जो हैं ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं अपराध से, यानी किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है या नहीं किया है तो उससे संबंधित है, संरक्षण प्राप्त है नागरिक को कि जो अपराध है उनके लिए दोष सिद्ध जब तक नहीं हो जाता है तो वह अपना संरक्षण कर सकता है। और 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो वहां पर संरक्षण प्राप्त है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जो है वह पता चले, और पुलिस जो है ज्यादा देर तक अपने पास नहीं उसको बंद करके रख सकती है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि नागरिक जो है वकील करना चाहता है, उससे परामर्श लेना चाहता है, तो ये भी अधिकार जो है उसे मिलेंगे।
तो आज हम यहीं तक करेंगे। तो देखिए, रिवाइज करते चलिए साथ में। तो ध्यान से सुनिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है कि मौलिक अधिकार, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, और मूल रूप से कितने थे? 7 थे, क्योंकि एक जो मौलिक अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों को। 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की बात है, यानी मूल अधिकारों से असंगत या आलपीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो शून्य होंगी। तो ऐसे जो है आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष जो है सभी समान होंगे। ठीक है, एक नागरिक और राष्ट्रपति ये भी समान है, यानी सभी समान है विधि के समक्ष। अनुच्छेद 15 जो है वह कहता है सामाजिक समानता के बारे में कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 जो है शब्द याद रखें, इनके आधार पर जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जन्म स्थान से संबंधित हो। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में आपको एक जो लास्ट में जो भाग जुड़ा है 15(6), उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो EWS है, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े जो लोग नागरिक हैं उनको शैक्षणिक संस्थान में जो है आरक्षण प्राप्त है, जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जो नौकरी है, लोक नियोजन जो है उसमें अवसर की समानता होगी सभी व्यक्ति को, वही धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, और इसी तरीके से 16(6) में ये EWS जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनको नौकरी में भी आरक्षण होगा 10%। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 15(6) में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 16(6) में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत से संबंधित है। किसी भी तरीके का जो है छुआछूत यदि होता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत होगा, 3 शब्द छोड़कर, कौन से? शिक्षा, सेना और नागरिक सम्मान। ठीक है, उसके बाद ये जो समानता के अधिकार हैं ये हमने पढ़े। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, उसे कोई भी विचार अभिव्यक्ति जो है उसकी पूरी स्वतंत्रता होगी, घूमने फिरने की, निवास करने की, कहीं भी। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता होगी। और अनुच्छेद 20 और 22 जो साथ में याद रखें, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, जब तक उसने जो है कानून नहीं तोड़ा है नागरिक ने तब तक उसको अपराधी नहीं बोल सकते हैं, यदि उसने एक से अधिक जो अपराध किए हैं तब भी एक ही सजा होगी। ठीक है, और जबरन जो है उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कोई भी गवाही देने से। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी व्यक्ति जो है उसको पता होना चाहिए क्यों गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे के अंदर जो है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना ही है। ठीक है, और वकील जो है उससे परामर्श का अधिकार भी उसे दिया गया है। ठीक है, 20 और 22 जो है वो साथ में याद रखें। अनुच्छेद 20 और 21 जो कभी निलंबित नहीं होते हैं, आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और देह की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में ही एक और जो है उपभाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है और 24 में है, और इसको जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ तक जो है रिवाइज करिएगा। अनुच्छेद जो है आप साथ में इसी तरीके से याद कर सकते हैं कौन से अनुच्छेद में क्या चीज़ दी गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।